नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के हिंदी विषय काव्य खंड के अंतर्गत भक्ति काल के कवि रैदास के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और देहावसान सन 1518 में बनारस में ही हुआ, ऐसा माना जाता है। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था, मतलब ये मूर्ति पूजा का खंडन किया करते थे, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधि, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे सादे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को यानी पढ़ने वाले के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कभी अपने आराध्य को याद करते हुए यानी अपने ईश्वर को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है, यानी उसके मन में हमेशा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है, मतलब जो पिछड़ी जाति के कवि हैं उनको भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें इस संसार में सम्माननीय स्थान दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने रैदास के जीवन परिचय के बारे में जान लिया है और अगली वीडियो में हम इनके पद का अध्ययन करेंगे और उसका भाव अर्थ समझेंगे।